पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके फैसले का स्वागत किया। केंद्र के फैसले से राहत मिलेगी, ये कहा उन्होंने, हमारे लिए जनता पहले है, आज के फैसले सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, ये कहा है उन्होंने। तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, केंद्र के फैसले से राहत मिलेगी, पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए जनता सबसे पहले है। और निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया था, इसमें माताओं बहनों को बहुत मदद मिलेगी, जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स जो है वो सस्ते हुए हैं उसके तहत भी, क्योंकि दो सौगातें मिली है, एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में एक कमी होगी, दूसरा उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलते हैं उसमें 200 रुपये की सब्सिडी का जिक्र हो रहा है। और अब लगातार इसी फैसले की चारों तरफ चर्चा है। हालांकि विपक्ष अभी भी सरकार को कह रहे हैं कि पिछले दिनों में आपने 10 से 12 रुपये बढ़ाए और अब अगर आप 9 रुपये कम करते हैं तो वही बात हो जाती है। रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा ट्वीट करके सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, बकायदा फाइनेंस मिनिस्टर को के ट्वीट को ही उन्होंने कोट किया बकायदा। लेकिन ये है कि जनता जरूर थोड़ी राहत महसूस कर रही है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए की कटौती की जाएगी, डीजल पर 7 रुपए जो शुल्क है वो घटाया गया है। और अब इसके बाद, इस फैसले के बाद जो फर्क पड़ेगा, पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, डीजल भी 7 रुपए सस्ता हो जाएगा, ये माना जा रहा है। अब देखिए स्टेट्स क्या करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों स्टेट्स को लेकर भी एक बात कही थी कि राज्यों को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि स्टेट्स किस तरह का कदम उठाते हैं। तो पेट्रोल डीजल का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक राहत की खबर मानी जा रही है। और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे, अब डीजल की कीमत है 96.67 रुपए प्रति लीटर, आज आपने डीजल की कीमत 7 रुपए कम की है। 21 मार्च 2022 को सिर्फ 60 दिन पहले डीजल की कीमत थी 88.67 रुपए प्रति लीटर, 60 दिन में आपने पहले डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी और अब 7 रुपए प्रति लीटर घटा दी है, क्या फायदा। उससे पहले उन्होंने पेट्रोल को लेकर भी ट्वीट किया कि आज पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर है, आपने 9.50 रुपए कम किए। 21 मार्च 2022 को सिर्फ 60 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए प्रति लीटर थी, 60 दिन में आपने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई और अब 9.5 रुपए आप घटा रहे हैं। तो एक बकायदा प्राइस को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइसेस का कंपैरिजन 21 मार्च से लेकर आज 21 मई है तो करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, सरकार इसे बड़ा फैसला मान रही है, उनके मुताबिक बड़ी राहत है, कुछ बोझ पड़ेगा रिवेन्यू को लेकर, लेकिन राहत। अब देखिए स्टेट्स क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से जो है चार्ज लगाता है, तो उस हिसाब से अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि स्टेट क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है लोगों के लिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अच्छी बात है सर, इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर, अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपए कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो ये जो कम किया है रेट अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। जो गवर्नमेंट ने करा है ठीक है, अब जो कम करें 9 रुपए और सिलेंडर पे 200 रुपए करें, उससे बहुत राहत मिलेगी। तो पेट्रोल डीजल के दामों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पेट्रोल में कितने रुपए की कमी की गई, डीजल में कितने रुपए की कमी की गई है, और लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप देख रहे हैं, देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है और एक बड़ा कदम माना जा रहा है केंद्र की तरफ से, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। और अब स्टेट्स वैट को लेकर क्या फैसला लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो अलग अलग तर्क देते हैं।